ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। आज हम सीखेंगे कि तीन लोग कौन से हैं। पहला है हमारी यह पृथ्वी अर्थात साकार मनुष्य लोक, जहां हम सभी मनुष्य आत्माएं हड्डी मांस का शरीर लेकर कर्म करती हैं और इसका फल सुख और दुख के रूप में भोगती हैं। यह आवास की दुनिया है। यह सौर मंडल भी इसी साकार मनुष्य लोक का हिस्सा है, जिसमें सूरज चांद तारे और सभी नक्षत्र होते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसके बाद दूसरा है सूक्ष्म लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य चांद और तारागण और आकाश तत्व के पार एक सूक्ष्म लोक है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया है। इस दुनिया को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ संकल्प तो होते हैं, बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। यहाँ दुख और अशांति नहीं होती। इसी सूक्ष्म लोक में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी भी हैं। इन तीनों देवताओं के शरीर यहाँ हड्डी मांस के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। तीसरा है हम सभी आत्माओं का घर ब्रह्मलोक अर्थात निराकारी दुनिया। ये सितारों की दुनिया है। यहाँ हम सभी आत्माएं प्रकाश के पुंज शिव बाबा के साथ ज्योति स्वरूप में रहती हैं। ब्रह्मलोक को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, अक्षरधाम, मुक्ति धाम, मूल वतन, परलोक, स्वीट होम, साइलेंस वर्ल्ड आदि। यहीं से हम सभी आत्माएं पृथ्वी लोक पर अपना पार्ट बजाने आती हैं एवं कलयुग अंत के बाद यहीं पर आकर विश्राम करती हैं, जिसके लिए ही कहा जाता है रेस्ट इन पीस। अब हम जानेंगे उस निराकार परमात्मा को जिसे दुनिया आज तक ढूंढ रही है, और साथ ही जानेंगे उनके दिव्य गुणों को भी। प्रायः सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता, सुखकर्ता आदि शब्दों से याद करते हैं, परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं उनका सत्य परिचय उन्हें है ही नहीं, और उसके साथ उनका अच्छी रीति संबंध और स्नेह भी नहीं है। स्नेह ना होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए उन्हें परम पिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। वे ना तो परम पिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं और ना ही उनसे शक्ति और प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ पाता। इसलिए हम यहाँ उस परम पिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याण अर्थ हमें समझाया है और अनुभव कराया है और अभी भी करा रहे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। परम पिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर है। वह ही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले गाइड हैं, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले लिबरेटर हैं और सब प्राणियों पर रहम करने वाले रहम दिल अर्थात मर्सीफुल हैं। मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति यानी गति और सदगति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही हैं। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी हैं। इन्हें सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। वे जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एकरस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव हैं। परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को
दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग के नाम से पूजी जाती हैं और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। लगभग सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे ये अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। अब शिव बाबा कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का यह अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात ना तो उनका मनुष्यों जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और ना देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। तो यह था परमात्मा का दिव्य परिचय। राजयोग मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप और मुरली ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। हम जल्द हाजिर होंगे राजयोग के अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए शिव बाबा की याद में रहें। और अब होमवर्क टाइम। चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन अपने आप को प्रकाश के शरीर में अनुभव करें, अर्थात लाइट की बॉडी, शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे। ओम।